भाई ननद भाभी की लड़ाई हो रही है। मेरा पति है प्रिया बुलाक, मेरे पति को भाभी की आवाज़ सुनाई दे कि ना सुनी के बैग से चोरी देख लो इग्नोर मार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। फिलहाल मैं भी ठीक ठाक हूँ और जस्ट मॉर्निंग का टाइम है और हम लोगों को मजा मिस कर मेरा एक जीजू करके फोन सोए क्योंकि दोनों बच्चे बाहर निकल रहे थे और बाहर से आते थे तो फिर हो गया गेट लॉक किया। बस दीदी के साथ ले लो ब्रश, इसको दे दो जिसमें होगी ना छीन लो उसी में। हाँ इसका ब्रश है उसी में। चाय आ गई तो वो तो चाय भी आ रही है। ब्रश पहले ब्रश चाहिए। जीजू क्यों करने लगे थी? ये जीजू कह रही थी। अच्छा ये सब मेरी बहनें हैं ना, दीदी है। अच्छा नाम के बच्चे है दूध नहीं दीदी है, सब दीदी है। क्या बोली है सुनी है? खुद दूध पीती बच्ची है। नहीं जगह की सॉरी अभी सुनने नहीं दिया। अच्छा सच बताऊं, परी ना आई होती ना तो मेरा पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता मेरा। कल जो मेरी कंडीशन तुम लोग एक बार भी आया, इतने में तो वहाँ ठीक थे यार। वहाँ हम लोग जब नेमू सेरेमनी में मिले बहुत थे, बहुत कितना एंजॉय, रात में हम लोग कितनी वीडियो बनाए थे, बहुत बहुत ज्यादा। हाय 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 भाभी। हेलो गुड मॉर्निंग। हाय प्रियंका दी। हाय गुड मॉर्निंग प्रिया दी। गुड मॉर्निंग प्रिया दी। गुड मॉर्निंग प्रिया दी। गुड मॉर्निंग प्रिया दी। अभी बोल रही थी हम देखो आप फोकस कर रहे हो, अब देख लो प्रिया दी इग्नोर मार रही है। घर आके इग्नोर किया, इग्नोर मार रही है मुझे। देख लो देख लो देख लो देख लो, इतना सीरियस होके कोई कमेंट पड़ता है क्या? नहीं मैं यहाँ पर एक जो मुझे साक्षी मेहंदी लगा रही है, मोची से मोची से कुछ कमेंट कर लो, बता रही हूँ। ये लड़की जो मेहंदी लगा रही है मेरे बगल में रहती है, कभी मेहंदी नहीं लगवाई आज तक किसी से, तो मैंने लिख दिया पड़ोसी पड़ोसी को आगे बढ़ते नहीं। ये बात तो सही है, ये बात तो 100% सही है। कौन? गुड मॉर्निंग प्रीति जी। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। देख लो इग्नोर मार रही है ये मुझे, इग्नोर मार रही है। देख लो इसको लगाऊंगी। चलो गुड मॉर्निंग सबसे कर लो। अच्छा बोल रहे हो, उसपे क्या बोलते हैं इसको? हाँ बैठे रहेंगे। मेरे हस्बैंड जाके कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड जाके कह रहे हैं और भी लोग आए हैं। मैं जरी सब सो रहे हैं, हम 6 बजे हमें नींद ही नहीं आई। हम भी नहीं सोए थे रात में, लेटे रहे। कहाँ सोए थे? देखे मुझे चले, सब लोग बैठे हुए थे मेरे घर से सबसे लेट यही लोग आए। सब मोटिवेट कर दिया मैंने, कहा दीदी अबे की तो थी की तो थी डुपर क्या बात है। हम आपके साइड है, आपने किया था यहाँ पे, भूल गई। अनलिस्टेड वीडियो नहीं डालना है, कौन सा वीडियो नहीं डालना है? अनलिस्टेड वीडियो पब्लिश नहीं करना है। नहीं नहीं की थी हम, बताया और क्या। मैं देखो मैंने याद रखा है ना, ठीक है धमकी देने वाली प्रीति। ये यार सच्ची में यार बताई तो थी, कैसे बोल रही है तू? भाई ननद भाभी की लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है यहाँ पर। वही जो हुआ है वही बताया जा रहा है। जितने भी गिले शिकवे थे हम दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं था, हम लोग ऐसे साथ में नहीं मिल रहे थे ना। सबको ये था कि कब से जब से तू नए घर में आई है, तेरे ना तो भाई लोग आते हैं ना तो भाभियाँ आती है। भैया आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं हमेशा कैमरा पर्सन नहीं हूँ। ये लोग आई है, पूछो मैं कितना रिकॉर्ड कर रही हूं। मेकअप की दुकान दीदी के पैसे की लिप बाम लगाऊंगी। प्रियंका दीदी के बैग से चोरी। कितना रिकॉर्ड की हूँ मैं, सच सच बताना। मैंने भी नहीं देखा, अभी देख रही हूँ। अच्छा भाभी का चैनल है तो ये लोग नहीं केयर करी तो क्या करी? लगा ली देखो बाबा चमकदार।
चलो भाई यार, अब आज इसका वीडियो, कल मुझे सब बोल रहे हैं कि यार इसका भी आईफोन है तो फिर उनका वीडियो ऐसे कैसे आ रहा है। ये तो है, ये तो ऑलरेडी लगा ही तो किए हैं, जब तक मोबाइल चला ले। ऐसा लग रहा मिले हुए हैं। अरे वाह, तारीफ करिए और करिए। तारीफ क्या है, तारीफ होती ना तो मेरे घर वाली पार्टी में बिल्कुल ना होती। मैं भी जब से जान रही हूँ कसम से बता रही हूँ, मैंने कहा ये तारीफ करने लायक है प्रीति वास्तव में बहुत अच्छी, जब से मैं मिली हूँ ना मुझे बहुत अच्छी लगी पहली मुलाकात में। मैंने बता दिया था, मैंने कहा नहीं मतलब मेरे साथ नेचर बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट मीट पे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग पहली बार मिले हैं, ऐसा लग रहा है ऑलरेडी हम लोग मिल चुके हैं। और हम मेकअप करते हैं हम लोग ऐसे आगे थोड़ा सो धुले हैं, मुंह तक नहीं धुले हैं, ऐसे ही बक 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 बक। चलिए फिर सो लीजिए, तैयार हो जाए। हाय मेरा पति है प्रिया बुलाक, मेरे पति को लॉक कर ले, हम सबके पति को। अकेले अकेले चाय पीने गए थे मेरा पति। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इनके पति इनको छोड़ के चाय पीने गए, लॉक हो गए, लॉक हो गए। मेरे भी पति हैं, इसके अलग पति हैं, मेरे वाले, मेरे मेरे भी पति हैं, उसके अलग हैं, मेरे वाले नहीं। इन दोनों के जो भी है वो मेरे कुछ तो है, आई लॉक हो गए। ए परी कल पूछ रही थी ना किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो बोले थे ना आपके लिए, वो भी लॉक हो गए हैं। वो मैकेनिक हमारी भाभी थी तो वीडियो बना रहे हैं। फाइनली थोड़ा सा मौका मिला क्योंकि भाभी एडिट कर रही थी, मैंने कहा मौका लो के वीडियो बना लेती वरना फिर हम लोग निकल जाएंगे तो बन नहीं पाएगी, है ना। टाइम ना भाभी की आवाज़ सुनाई दे कि ना सुनाई दे, इतने शोर में मेरी तो सुनाई दे देगी क्योंकि मेरी तेज है, बस बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती क्या बोल रहा, लेकिन आवाज तेज है भाभी से, है ना। भाभी की बहुत धीरे धीरे से है, अरे हम लोगों को देख रही है, तुम्हारी बना चुकी हूँ कल, तुम्हारे साथ बन चुकी है कल, अभी भाभी के साथ नहीं बनाई थी तो मैंने कहा बना लेते हैं। नहीं नहीं नहाती हूं अब चलेंगे ना वही नहा, आप तो यही रहोगे। हां हां जी, अब कहां जा रहे हैं, फोटो में क्या? नहीं नहीं अभी भैया बोले ना कि होटल में चल रहा है। अच्छा ठीक है भाभी, आप एडिट कर लो। ठीक है, आप लोगों ने, हम लोगों ने कितना हंसी मजाक, कितनी मस्ती की। और प्रिया दीदी ने देखो, जब इंसान फ्री माइंड रहता है ना तो बहुत हंसी मजाक मस्ती सब कुछ करता है। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया था उस टाइम, मैं कैमरा उठा ली, ये जो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो ये सच्चाई जो है ना मैं आपके सामने रख पाई हूँ कि देखो एक्चुअल में क्या है, है ना। अभी मैं भी देखी, मैंने कहा यार ये वाली वीडियो तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि कम से कम आप लोग भी देख सको कि ऑन कैमरा जो यूट्यूबर होते हैं उनकी सच्चाई क्या है और ऑफ कैमरा उनकी सच्चाई क्या है। ऑफ कैमरा फिलहाल ये नहीं है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ माहौल नहीं था ब्लॉगिंग वाला, लेकिन फिर भी देखो हम लोगों ने कितना हंसी मजाक, कितनी मस्ती की। सभी यूट्यूबर, प्रियंका दी से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मेरी बड़ी बहन, मैं उनसे मेरी फर्स्ट मुलाकात थी। वंदु भाभी से ऐसे लग रहा था ना जैसे हम वर्षों से जानते, मतलब पहली बार वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। मेगा के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ फर्स्ट व्लॉग में। प्रिया दी, हम, परी तो इतना मजाक कर रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी, सबको हंसा कर रखी थी। बस इसमें एक सेजल की कमी थी जो मॉर्निंग के टाइम में नहीं थी क्योंकि वो अपने होटल में थी। और प्रीति को तो आप जानते हैं कि उससे मेरा कैसा रिश्ता है, दिल से दिल। और प्रिया दी, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आज अगर मैं यहाँ हूँ ना तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए वो क्या मायने रखती हैं। तो हम लोग ने बहुत मस्ती मजाक बहुत इंजॉय किया, वो ये तो कहो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।